एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाता था, जिसकी कहो फोटो बना के सेम टू सेम रख दे। एक दिन मूर्तिकार एक जगह भ्रमण कर रहा था, एक महात्मा जी मिल गए। अब मूर्तिकार ने कहा, महाराज एक बात बताई, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या उस स्वप्न मैंने देखा है, मेरी मृत्यु हो गई, कृपा करके बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। अपना हाथ को बढ़ा दिया। महात्मा जी ने कहा, आज के ठीक 6 महीने के बाद इस तिथि में, इस दिन में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी में तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अब महात्मा जी इतना बता के अंतर ध्यान हुए। अब मूर्तिकार को जब तिथि मुहूर्त दिन से पता चल गया, थर 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 कांपने लगा। अब विचार कर रहा है कि अब मेरी मृत्यु आएगी, अब मृत्यु को संसार सागर में कोई टाल नहीं सकता, तो क्या किया जाए। 2-4-6 मूर्तिकारों को बुलाया। अब बुला करके कहा, एक काम करो। क्या? मेरी मृत्यु तो हो जाएगी, तो मेरी मृत्यु को टाली जा सके कोई उपाय हो तो बताओ। तो मूर्तिकारों ने कहा, अब आपके पास मृत्यु को टालने के लिए केवल एक साधन है। क्या? कहा, जब यमराज के दूत आएंगे तुझे लेने के लिए, और यमराज वहां से भेजेंगे कि जाओ फला आदमी को, फला स्वरूप है, ऐसा रूप, ऐसा रंग है, उसको लेकर के आओ, तो तुम एक काम करो, अपनी तरह के कम 100 मूर्ति 6 महीने में बना करके खड़ा कर दो, और जब वो मुहूर्त तिथि आवे तो उन्हीं मूर्तियों को लाइन से खड़ा करके उन्हीं के बीच में तुम भी घुस जाना। अब ऐसी मूर्ति बनाना कि जितनी यमराज के दूत हैं वो आकर के विस्मय में पड़ जाएं, चिंता में पड़ जाएं, कि जिनको इस धरती से लेके जाना है भगवान ने, इसीलिए कोई गड़बड़ी ना हो, एक रूप के एक ही आदमी बनाए हैं, कुछ ना कुछ अंतर आपको मिल जाता है। लेकिन जब एक ही रूप के हजारों लोग दिखेंगे, यमराज के दूत आपको पहचान नहीं पाएंगे, हो सकता है आपको जान के कोई मूर्ति को लेके चले जाएं तो आपका प्राण बच जाएगा। बोले भक्त भगवान की जय। अब उसने क्या किया, 6 महीने में बैठ करके सैकड़ों मूर्ति एकदम अपनी तरफ, कुछ लोग होते ना ऐसी मूर्ति बनाते हैं, ऐसी फोटो बना देंगे कि हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, एकदम जैसा आपका रूप है, रंग है, जो भी आपके पास जो भी है सब ऐसे बना देंगे। अब मूर्तिकार ने बढ़िया सुंदर सैकड़ों मूर्ति अपनी तरह के बना के खड़ा कर दिया। और जब सज्जनों वो नक्षत्र तिथि समय आने वाला हुआ, कल तो जाके मूर्तियों के बीच में स्वयं खड़ा हुआ, न हिल रहा है न डोल रहा है, प्राणायाम की साधना करके श्वास भी रोक लिया। यमराज के दूत आए, अब आकर के एक एक मूर्ति के पास जाते हैं और जाकर के देखते क्या है कि एक कई तरह के सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, और जिस पते पर, जिस जगह से मुझे फला व्यक्ति को लेके जाना है, अब उसकी पहचान ही नहीं हो रही। यमदूत चक्कर में पड़ गए और लौट करके यहां से गए, जाकर के यमराज के पास शिकायत किया, महाराज आपने बहुत बड़ी गलती की, क्या आपने कहा फला व्यक्ति का समय पूर्ण हो चुका है, अब मैं लेने के लिए गया फला व्यक्ति की तरह हजारों लोगों को वहां देख करके हम सब पहचान नहीं पाए किसको लेके, अगर गलती से कोई दूसरे लेके चले आए तो क्या हुआ। यमराज ने कहा, इसी व्यवस्था तो नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी ने इसीलिए आज तक कभी किसी को एक रूप एक रंग का बनाया नहीं, कुछ न कुछ अंतर तो रहता है, ये गलती कैसे, चलो देखा जाए। यमराज लौट किया, यमराजो विस्मय पड़ गए, नहीं पहचान सके कौन है। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज आए देखे वो भी विस्मय में पड़ गए, ब्रह्मा के पास शिकायत की, ब्रह्मदेव आपने सृष्टि की सृजन में बहुत बड़ी भूल कर दी है, एक तरह के कई आदमी को आपने बना करके समस्या खड़ी कर दी है, अब एक व्यक्ति का समय पूर्ण हो चुका है, अब उस व्यक्ति को पहचाना ही नहीं जा सका, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी आए, जो सारे संसार की संरचना किए हैं वो ब्रह्मा जी भी सजनों मूर्तियों को देख के मोहित हो गए, असली मूर्ति कौन है, असली मूर्तिकार जिसके मरने का समय पूर्ण हो गया है पहचान ही नहीं पा रहे। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुला करके कहा, 33 कोटि देवता आ जाओ, इतनी बढ़िया मूर्ति जिसने बनाया है, सबसे पहले उसको उसकी खोज की जाए और खोज करके उसको सम्मानित किया जाए, देवताओं के द्वारा उसकी स्तुति कराई जाए, उसके गले माला पहनाई जाए, त्रैलोक में उसका जय जयकार होना चाहिए। इसके पास इतनी बड़ी कला थी कि ब्रह्मा की कला को इसने फेल कर दिया है, और जैसे उस मूर्तिकार की प्रशंसा सारे देवता शुरू किया करके, तो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मूर्तियों के बीच से बाहर निकल के आया, महाराज इस प्रशंसा के पात्र हम ही हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, बस पहचान मिल गई, पकड़ो इसको लेके चलो, यही है सारा कला करने वाला ये व्यक्ति है। तो प्रशंसा किसी की जाए तो प्रशंसा में व्यक्ति जो है सज्जनों आज प्रसन्न हो जाता है। कामदेव की ऐसी प्रशंसा नारद जी ने किया कि आपने तो भगवान
देवादिदेव महादेव को भी पराजित कर दिया।